देखो आज की क्लास में क्या है कि 50 सेक्शन 51 जो है सिक्स है ना, 51 से लेके 55 तक देखेंगे। तो जो 51 है ये बोलता है कि समय पूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी, है ना, या रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। तो जब कोई टाइम पीरियड फिक्स हो किसी पार्टनर के आने के लिए, है ना, और उस टाइम पीरियड से पहले ही अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस चीज उस स्थिति को बताया हुआ है इसमें 51 में। कि जैसे देखो क्या, कोई पार्टनर क्या आता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इंटर करता है और उससे प्रीमियम लिया जाता है ना। और जैसे मान लो उसको 1 साल के लिए अगर रखा गया है और इस 1 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाता है, और यहाँ पे एक मतलब जो चीजें हैं कि कौन से कंडीशन में डिसॉल्यूशन जो है जब होगा टाइम से पहले, उस फिक्स टाइम से पहले, तब रीपेमेंट, क्या रीपेमेंट मिलेगा उसको, वो उसका जो प्रीमियम था उसका, कौन से कंडीशंस में नहीं मिलेगा, है ना, इन सब चीजों को बताया हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन आपको मिलेगा 51। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही पढ़ना है। अब हिंदी इंग्लिश अलग अलग नहीं पढ़ना है, जैसे लाइन लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना है। और एक सेक्शन जो है वो एक बच्चा पूरा पढ़ेगा। ठीक है, तो अशीति, यस सर। सेक्शन 51, समय पूर्ण विघटन में प्रीमियम की वापसी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, जहाँ की किसी भागीदार ने भागीदारी में किसी नियत अवधि के लिए प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम दिया है और उस अवधि का अवसान होने के पूर्व ही वह फर्म किसी भागीदार की मृत्यु के सिवाय किसी अन्य कारण से विघटित हो जाती है, वहां वह भागीदार उस प्रीमियम के या उसके ऐसे भाग की प्रतिसंध्याय पाने का हकदार होगा। जो उन्हें निबंधों के जिन पर वह भागीदार बना था और उस समय की लंबाई को जिसके दौरान वह भागीदार रहा ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हो, जबकि जब तक कि वेयर अ पार्टनर हैज पेड अ प्रीमियम ऑन एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म and the firm is dissolved before the expiration of that term, otherwise then by the death of a partner, he shall be entitled to repayment of the premium or of such thereof as may be reasonable regarding being had to the terms upon which he became a partner and to the length of the time during which he was a partner, unless पार्ट ए विघटन मुख्यतः इसके आप अवचार के कारण ना हुआ हो, अथवा बी द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हिज ओन मिसकंडक्ट, और विघटन करके विघटन ऐसे करार के अनुसरण में हो में ना हुआ हो और जिसमें उसे उस प्रीमियम या उसके किसी भाग के वापस करने के विषय में कोई उपबंध अंतर्दृष्टि ना नहीं है। द डिसोल्यूशन इज इन द परस्यूएंस ऑफ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम और एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक, तो अब मेरे को बताओ कि अगर कोई पार्टनर फिक्स टाइम के लिए अगर किसी फर्म में इंटर करता है और जिस टाइम पीरियड के लिए वो था पार्टनर या रहा है उसी टाइम पीरियड पे अगर डिसोल्यूशन हो जाता है कब, ठीक है, मतलब अगर हो जाता है तो क्या होगा उसका, उसने जो पेमेंट किया है उसका उसको रीपेमेंट ले सकता है वो कि नहीं ले सकता, सर ले सकता है कब ले सकता है। सर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है ना।
उसमें क्लॉज नहीं रहना चाहिए। और और उसकी डेथ भी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक वो है क्लॉज। नहीं, उसकी डेथ नहीं, किसी हाँ पार्टनर मतलब की डेथ किसी के और कारण पार्टनर की रिजल्व, डेथ। है ना, कि डेथ रीजन नहीं होना चाहिए डिसोल्यूशन का किसी भी पार्टनर के, ठीक है, तभी उसको राइट टू रीपेमेंट मिलेगा। किसको? जो नया पार्टनर इंटर हुआ है, जिसने प्रीमियम दिया है अलग से, ठीक है। अब यस यहां पे बोलता है कि ये राइट कब मिलेगा उसको, कब नहीं मिलेगा वाला कंडीशन बताया हुआ है, ठीक है, कि कब नहीं मिलेगा, जब उसके मिसकंडक्ट के कारण अगर डिसोल्यूशन होता है तब नहीं मिलेगा उसको। या दूसरी चीज है कि डिसोल्यूशन ऐसा हो रहा है जिसमें इन्होंने कोई ऐसा प्रोविजन खुद करके रखा हुआ है ना, कि जो आपका प्रीमियम था उसका क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये जो प्रोविजन है वो लागू नहीं। क्लियर हुआ? तो क्या सर। है ना, किस किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला अपने को, कि एक ऐसा पार्टनर जो मतलब पेमेंट प्रीमियम दे के क्या करता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इंटर करता है फर्म में, और उस फर्म का डिसोल्यूशन उस कारण को छोड़ के ना, डेथ के कारण को छोड़ के अगर डिसोल्व होता है, तो वो अपना रीपेमेंट मतलब जो प्रीमियम है उसको वापस पा सकता है, ठीक है। लेकिन कब? जबकि वो जो डिसोल्यूशन जो है उसका, वो उसके खुद के मिसकंडक्ट के कारण नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज, डिसोल्यूशन ऐसा ना हो जिसमें ये प्रोविजन उन्होंने खुद करके रखा हो कि आपके प्रीमियम का क्या होगा। क्लियर है वाली चीज? बताओ, डाउट है तो किसी को? क्लियर क्लियर है ना? सर। ठीक ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है तुम्हारा 52 जो है, ठीक है, देखो 52 क्या बोलता है, कि अगर मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पहले, कि 52 जो है वो ये बताता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड के कारण या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, अगर किसी पार्टनर ने क्या किया है, कोई फ्रॉड किया है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है उस फर्म को बनाने में, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम, ये दोनों रीजंस अगर आएंगे तो क्या होते हैं, फ्रॉड अगर होता है या मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, उन चीजों को बताया है। और इस जब ये ऐसा होगा, ठीक है, कि अगर खत्म कर दिया जाता है जो पार्टनरशिप है ना, तो यहाँ पे क्या है कि क्या मतलब जिस पार्टनर ने फ्रॉड नहीं किया है या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, उसके राइट्स का क्या होगा, उसने जो शेयर खरीदे हैं उनका क्या होगा, कैपिटल में जो उसने अपने पैसे लगाए हैं उसका क्या होगा, और क्या जो एसेट्स बनते हैं, जो बचते हैं, मतलब जो एसेट्स हैं फर्म के, उस एसेट्स को वो यूज कर सकता है, और जो फर्म में डेट्स हैं उनका क्या होगा, वो एसेट्स को यूज करने का उसको अथॉरिटी कब मिलेगा, ठीक है, और है ना, ये इन सब चीज, और इंडेमनीफाई अगर वो होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन करेगा, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको 52, ठीक है। तो संजना 52, और देखो क्वेश्चन के साथ में ध्यान मैं देखना, मतलब क्वेश्चन को समझना, उसके बाद उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करना इस 52 में, ठीक है। चलो संजना, सेक्शन 52 राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज डिसाइडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग पार्टनरशिप इज डिसाइडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज देयर टू द पार्टी एंटाइटल्ड टू डिसाइड इज विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर राइट Entitled A to a lien on
और राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ सरप्लस और द एसेट्स ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्म हैव बीन पेड सम पेड बाय हिम द परचेस शेयर इन द फर्म एंड फॉर एनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम बी टू रैंक एज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट बाय हिम द डेब्ट्स ऑफ द फर्म एंड सी टू बी इंडेमनिफाइड बाय द पार्टनर और प्रोफिट्स गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है फैजान हिंदी में पढ़ो 52 को। फैजान है? नहीं है नहीं है सर। क्या? हाँ चलो ठीक तुम पढ़ दो। यस सर। अधिकार जहाँ की भागीदारों की संविदा कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है, जहाँ की भागीदार सृष्ट करने वाली संविदा उसके पक्षकारों में से किसी के कपट या दुर्व्यपदेशन के आधार पर विखंडित कर दी जाती है, वहाँ विखंडित करने का हक रखने वाला पक्षकार अन्य किसी अधिकार पर प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित का हकदार होगा। ए फर्म के अंश के निमित्त अपने द्वारा दी गई किसी राशि के लिए अपने द्वारा आवेदन पूंजी के लिए फर्म के उस अधिशेष या आस्तियों पर जो फर्म के ऋणों के संदाय के पश्चात अवशिष्ट हो धारणाधिकार या उनके प्रतिधारण के अधिकार का भी फर्म के ऋणों मते अपने द्वारा किए गए किसी संदाय के बारे में फर्म के लेनदारों की पंक्ति तथा सी फर्म के ऋणों की बाबत क्षतिपूर्ति उस भागीदार का उसके पाने का जो कपट या दुर्व्यपदेशन के दोषी है। ठीक है तो क्लियर हुआ। थोड़ा अगर फ्रॉड या रिप्रेजेंट है ना मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण अगर खत्म हो जाता है फर्म जो है ठीक है तो क्या करेगा उसको कि राइट टू लियन है और क्या है एक राइट और मिलेगा राइट टू रिटेंशन का। ये राइट उसको कब मिलेगा? एसेट्स पर मिलेगा लेकिन जो फर्म के डेट्स हैं उनको क्लियर करने के बाद। ठीक दूसरी चीज सर क्या है? राइट ऑफ रिटेंशन क्या? उसका राइट ऑफ रिटेंशन क्या है? मतलब उसको रखे रहने का ऐसे समझो प्रतिधारण लियन जैसा ही है ठीक है धारण करने का। ठीक है ठीक है मतलब वो अपने पास रख सकते हैं उनको ऐसे कर। तो जो एसेट्स हैं उनके लिए क्या बोलता है लेकिन एसेट्स से पहले क्या है जो डेट्स हैं फर्म के वो पहले क्लियर किए जाएंगे और जो एसेट्स पर है फिर इसको जो जिसने नहीं किया है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन उस पार्टनर को मिलेगा ये चीजें। दूसरी चीज है कि वो डेट्स में डेट्स का अगर पेमेंट करता है ठीक है तो उसके लिए एज अ क्रेडिटर होने का उसको मतलब राइट मिलेगा। ठीक है और क्या है कि जितने भी यहाँ पे इसको लॉसेस हुए हैं ठीक है उसके लिए वो किनसे लॉसेस लेगा। ठीक है जैसे इंडेमनिफाइड किसके द्वारा होगा तो कौन होगा जिसने फ्रॉड किया है या फिर जिसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है जिस पार्टनर से उससे वो लेगा। तो क्लियर हुआ ये सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल गया आप। ठीक है कि कब होगा क्या होगा और कैसे होगा ऐसे करके इन चीजों को बताया हुआ है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक अब उसके बाद देखो 53 जो है 53 है वो क्या बोलता है कि
राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। तो फर्म का नेम जो है और फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आप मतलब उनके उपयोग को उनके यूज को रोकने के लिए क्या जो पार्टनर्स हैं उनके पास राइट होता है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और कब, यदि यहाँ पे गुडविल को अगर बेचा जाता है तो क्या कंडीशंस होंगी, तो इन सब चीजों को बताया जा सकता है। तो गुडविल खरीदने वाला जो है क्या वो यूज कर सकता है नाम को, है ना, कब कर सकता है कब नहीं कर सकता है, तो इन सब चीजों का जो आंसर है वो आपको मिलेगा सेक्शन 53, ठीक है। आयुष, यस सर। फर्म नाम या फर्म की संपत्ति को उपयोग में लाने के अवरोध करने का अधिकार, राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। फर्म के विघटित हो जाने के पश्चात हर भागीदार या उसका प्रतिनिधि भागीदारों के बीच की किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में किसी भी अन्य भागीदार को या उसके प्रतिनिधि को अब तक के फर्म नाम में समरूप कारोबार करने के से या फर्म की किसी संपत्ति को अपने जिन जिनी फायदे के लिए उपयोग में निजी लाने है, के निजी वो लिए, मिसप्रिंट है, निजी है, ठीक है। यस सर, निजी फायदे के लिए उपयोग में लाने से अवरुद्ध कर सकेगा जब तक फर्म के कामकाज का पूरी तरह परिसमापन नहीं हो जाता। आफ्टर अ फर्म इज डिसॉल्व, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे इन अब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू द कॉन्ट्रेरी रेस्ट्रेन एनी अदर पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द फर्म नेम और फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर हिज ओन बेनिफिट अंटिल आफ्टर द फर्म हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप। Provided that where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, nothing in section 53 shall affect his right to sue the firm name. परंतु जहां की किसी भागीदार इसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहां इस धारा के कोई भी बहुत फर्म नाम को उपयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इन जो क्वेश्चंस है उनका आंसर मिल गया ना, कि कब तक आप जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर्स को, ठीक है, फर्म के नाम मतलब जो फर्म की उसी उसी जैसा कोई व्यापार करने से या किसी स्थान पे करने से रोक सकता है, ठीक है, या उसकी जो संपत्ति जैसे जो एसेट्स है जो है ना उनको पर्सनल यूज के लिए रोक सकता है ना। तो अब बताओ कि रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। सर रोक सकता है लेकिन तब तक जब तक कि वो जो उसके वो हैं हाँ अफेयर जब तक के वो कंप्लीटली, वाउंड अप ना हो जाए तब तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक चीज है, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में भी बोलता है, ठीक है, कि अगर ऐसे कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया हुआ है आपने तब, और कब तक आप रोक सकते हो, जब तक क्या है कि कंप्लीटली जो वो है ना वाउंड अप नहीं हो जाता, तब तक पूर्ण समापन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको ये अधिकार रहेगा कि आप रोक सकते हो। और प्रोविजो जो है वो क्या बताता है कि अगर अगर किसी ने गुडविल खरीदा हुआ है तो गुडविल खरीदा हुआ है मतलब वो तो उपयोग कर सकता है, तो ये जो प्रोविजन है वो उस कंडीशन में लागू नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर, यस सर। ठीक, अब देखो 54 जो है, 54 ये बताता है कि क्या आप मतलब ये इस प्रकार का जो जो जैसा वो फर्म बिजनेस कर रहा था पहले, उस बिजनेस को करने से किसी को रोक सकता है, ठीक है, और या फिर इस एरिया में मत करो ऐसा करके क्या इनके बीच एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, क्या ये वैलिड होगा, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है क्या वो वैलिड हो सकते हैं, अगर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए तब वो वैलिड होगा कि नॉट वैलिड होगा,
ये जो कंडीशंस है ना, इनके बारे में बताया हुआ है 54। तो जब आप 54 को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस है उनके आंसर उसमें दिया हुआ है। ठीक है अशिति, 54। सर, सेक्शन 54, व्यापार अवरोधी करार, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, फर्म के विघटन पर या विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार या करार कर सकेंगे कि उसमें से कुछ या वे सब किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारोबार के सदृश कारोबार नहीं चलाएंगे, और यदि अधिरोपित निर्बंधन युक्तियुक्त हो तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करार विधिनियम होगा। पार्टनर्स में अपॉन ऑन इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सम और ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स एंड नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 9 ऑफ 1872। ठीक, तो क्या समझ में आया इससे कि क्या जो बिजनेस है वो करने से रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता, बताओ। सर, स्पेसिफाइड पीरियड के रोका लिए या फिर लोकल लिमिट्स, मतलब कुछ ही एरिया में ही जा के सकता लिए रोका जा सकता है ना? सर, मतलब तब रीजनेबल होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन जो हाँ है। ठीक, ये भी कंडीशन उसमें जरूरी है। ठीक है कि रीजनेबल होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन जो है। ठीक है, और आईसीए जो है 27 वो क्या बोलता है, सेक्शन 27 जो है वो। सर मतलब अगर ट्रेड के लिए कोई रोकता है अगर एग्रीमेंट करने से तो वो वॉइड हो जाते हैं। हाँ, वॉइड हो जाता तो इस है ना, इसके बावजूद भी ये जो प्रोविजन है वो लागू हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, कब, एक जी सर। स्पेसिफाइड टाइम के लिए और स्पेसिफाइड एरिया जो है, लोकल एरिया है उस पे आप रोक सकते हो। ठीक है, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो वैलिड तभी होगा जब आपका रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है। ठीक है, तो यस रीजनेबल होने का कारण मतलब कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो कुछ इस चीज में डिस्प्यूट चल रहा है तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ यार, थोड़ा सा डिसीजन होने दो, उसके बाद आप चालू कर लेना। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रीजनेबल होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा केवल मन से कोई पार्टनर चाहे और रिस्ट्रिक्शंस लगा दे ऐसा नहीं हो। क्लियर, अब देखो लास्ट वाला जो सेक्शन है इस चैप्टर में, जो चैप्टर 6 पढ़ रहे थे अपन, उसमें बताता है कि डिसॉल्यूशन के बाद गुडविल क्या होता है पता है तुम लोग। नहीं सर, बताओ ना। ये तो थोड़ा बहुत तो कोशिश करूंगी तुम लोग गुडविल क्या होता है जानने का। सर, फॉर्म जो अपना नाम कमाया होता है या जो उसके नेम से जो बेनिफिट रहता है वो सब। हाँ ठीक, तो एक्चुअल में टेक्निकली जब अपन किसी चीज को गुडविल बोलते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप कि सामान्य बोलचाल की भाषा में कि जो उसका नाम होता है, उसकी जो ख्याति होती है ना, कि ठीक है जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका नाम होता है, तो हम ये भरोसा करके चलते हैं कि वो अच्छी चीजें बनाते होंगे, अच्छी चीजें बेचते हैं, सर्विस देते हैं ऐसे करके, तो ये सब उसका गुडविल में आता है। तो गुडविल का मतलब अगर टेक्निकली समझना चाहें तो क्या होता है कि गुडविल एक ऐसा आवश्यक तत्व तो है समझो, या ऐसा एक एलिमेंट है जो कस्टमर को ना आपके दुकान पे दोबारा आने के लिए मजबूर कर। ठीक है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो वो बार बार आएगा आपके पास, तो ये नाम होता है उसका। ठीक है, जो फर्म आप चला रहे हैं, ब्रांड है उसका एक नाम रहेगा, तो इसको बोलते हैं गुडविल।
तो क्या गुडविल को डिसोल्यूशन के बाद बेचा जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि क्या ये एसेट होता है फर्म का? क्या इनका सेल एसेट के जैसा किया जा सकता है या अलग से किया जा सकता है? एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है कि अगर बेचा जा सकता है गुडविल को, तो बायर और सेलर के क्या राइट्स होंगे? इन चीजों को देखेंगे। और एक चीज और है कि एग्रीमेंट्स क्या हो सकता है क्या इनके बीच में, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का बायर सेलर के बीच में, पार्टनर्स के लिए? इन सब चीजों का, इन सब क्वेश्चंस का आंसर दिया है आपका 55 में। क्वेश्चंस याद रखिएगा, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये सभी क्वेश्चंस के आंसर इसमें दिए हुए हैं। तो पढ़ते पढ़ते या सुनते समय आप देखिएगा कि कहाँ इनका आंसर मिल रहा है आपको, इन क्वेश्चंस का। ठीक है आयुष? यस सर। अच्छा एक काम करो आयुष, तुम इंग्लिश में पढ़ पढ़ दो। और क्या नाम है, ज्योति? ज्योति है? गई। ठीक है तुम चलो, ठीक है कौन, तुम ही पढ़। अभी कौन पढ़ा था लास्ट वाला? ठीक, पढ़ा तो आशिकी तुम पढ़ दो। सर। सेक्शन 55, रिग्डन के पश्चात गुडविल का विक्रय, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। नंबर 1, रिग्डन के पश्चात फर्म के लेखा परिनिधारण में गुडविल भागीदारों के बीच की संविदा के अत्यधीन रहते हुए आस्थियों से सम्मिलित किया जाएगा, और यह या तो पृथक रूप से या फर्म के अन्य संपत्ति के साथ साथ बेचा जा सकता है। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, द गुडविल शैल सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स एंड इट मे बी सोल्ड ईदर सेपरेटली और अलोंग विद द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। पॉइंट 2, गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार, राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ गुडविल। जहाँ की फर्म का गुडविल विघटन के पश्चात बेचा जाता है, वहाँ भागीदार क्रेता के कारोबार का प्रतियोगी कारोबार चला सकेगा और वह ऐसे कारोबार का विज्ञापन कर सकेगा, किंतु अपने और क्रेता के बीच के करार के अधीनियन अधीन वह निम्नलिखित न कर सकेगा। Where the goodwill of a firm is sold after dissolution, a partner may carry on a business competing with that of the buyer, and he may advertise such business, but subject to agreement between him and the buyer, he may not. Firm नाम का उपयोग नाम में लेना, use the firm name, यहाँ व्यपदृष्टि करना कि वह फर्म का कारोबार चला रहा है, अथवा रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। और जो व्यक्ति फर्म के विघटन से पूर्व फर्म से व्यवहार करते थे, उनसे उनसे अपने साथ व्यवहार करने की याचना Solicit the custom of persons who were dealing with the firm before its dissolution. Third, व्यापार अवरोधी करार, agreement in restraint of trade. कोई भी भागीदारी भागीदार फर्म के गुडविल के विक्रय पर क्रेता से यह करार कर सकेगा कि ऐसे भागीदार किसी विनिदृश्य कालावधि के या स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारोबार की सदृश कोई कारोबार नहीं चलाएगा, और यदि अधिरोपित निबंधन युक्ति युक्त होता है तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करार
विधिमान्य होगा। एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ अ फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन द बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और within specified local limits and notwithstanding anything contained in section 70 of the Indian Contract Act 1872, 9 of 1872, such agreements shall be valid if restrictions imposed are reasonable. ठीक है, क्लियर हुआ कि देखो अब जो क्वेश्चंस देखे थे उनका आंसर क्या है। गुडविल को बेचा जा सकता है डिसॉल्यूशन के बाद, यस सर। ठीक ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर जो बायर है जिसने गुडविल खरीदा है, ठीक है, उसका क्या राइट होगा कि वो उसको वैसे ही बिजनेस जो फर्म कर रही थी वैसे ही बिजनेस कर सकता है, उसका एडवर्टीजमेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं कि वो क्या क्या नहीं कर सके। तो क्या कर सकेगा कि अगर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, स्पेशल प्रोविजन अगर नहीं दिया हुआ है तब के कंडीशन में, कि फर्म का जो नाम है उसको यूज में नहीं ला सकते हैं, है ना, अगर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा है कि यूज करेगा ऐसे तब। दूसरी चीज क्या बोलता है कि क्या वो अपने आप को फर्म का वो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता है क्या कि वो फर्म वो खुद चला रहा है, नहीं कर सर सकता है, है ना, जब तक ऐसा ना एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन ना हो, ठीक है। जो क्लाइंट्स हैं पिछले उनको क्या वो मतलब वो कर सकता है क्या, ले सकता है क्या, तो नहीं ले सकता जब तक ऐसा एग्रीमेंट में ना लिखा हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली अगर प्रोविजन नहीं रहता है तो ये सब चीजें वो यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला, ठीक है, जो सबसेक्शन थर्ड है वो ये है कि आपका जो 54 पढ़ रहे हैं आपने ना, उसमें पार्टनर्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, बायर है गुडविल का, और कोई अंतर नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जो सेलर है बायर पे, ठीक है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो वैलिड होंगे अंडर, है ना, ये मतलब यहाँ पे आपका ICA 27 में किसी चीज के होने के बावजूद भी वो वैलिड, ठीक, क्लियर होगा ये चीज। यस सर।